और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट विवाद पर कोटा में प्रदर्शन, नीट विवाद पर एनएससीआई का हल्ला बोल, एनएससीआई कार्यकर्ताओं का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, बैरिकेड लांघकर कलेक्ट्रेट में जाने की कोशिश की, एनएससीआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, एनएससीआई कर रही है परीक्षा को रद्द करने की मांग। तो बैरिकेड लांघकर कलेक्ट्रेट में जाने की कोशिश आप देख सकते हैं एनएससीआई के कार्यकर्ता जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से नीट एग्जाम को रद्द करने की जो मांग है वो तमाम छात्रों की तरफ से की जा रही है और कहा जा रहा है कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए। हालांकि पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की तरफ से एनटीए को 8 जुलाई को जवाब देने के लिए कहा गया है। साथ ही जो छात्र हैं वो सीबीआई जांच की मांग भी इस मामले को लेकर कर रहे हैं और तमाम ऐसे सबूत सामने आ रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनके जो बयान दर्ज हो रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पेपर में स्कैम हुआ है, धांधली हुई है। तो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग लांघकर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की। जयेश सोनी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जयेश, क्योंकि हम देख रहे हैं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की तरफ से कोटा में प्रदर्शन किया गया और सिर्फ कोटा में नहीं बल्कि तमाम ऐसे देश के राज्य हैं, शहर हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों में नाराजगी जो है वो देखी जा रही है, मांग यही है कि दोबारा से परीक्षा कराई जाए। बिल्कुल, कोटा, पटना, दिल्ली सहित कई ऐसी जगह है जहां पर छात्र ये मांग कर रहे हैं कि दोबारा से परीक्षा की जाए। ये जो धांधली हुई है इसके अंदर जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है और यही वजह है कि लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो इस समय नीट की परीक्षा का जो परिणाम घोषित किया गया है उसे रद्द किया जाए और दोबारा से इसकी परीक्षाएं की जाए ताकि जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो अपना अधिकार जो है, अपना जो हक है वो पा सके। क्योंकि ये ऐसे कई सेंटर हैं जहां पर पैसे दे करके जो धांधली की गई थी वो सामने आ चुका है। ऐसे और भी कई सेंटर हो जाएंगे जहाँ पर इस मामले की का खुलासा नहीं हुआ है। यही वजह है कि लोग ये मान रहे हैं कि ऐसे बहुत सारी जगह होंगी जहां पर इस तरह से सेटिंग करके जो पैसेदार परिवार से जो छात्र है उन्होंने अपनी परीक्षाएं उत्तीर्ण की होगी। कई ऐसे छात्र हैं जो कि टॉपर किए हैं, ऐसे कई सवाल जो सामने आ रहे हैं इसको मद्देनजर रखते हुए कई छात्र संगठन के साथ साथ जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं जिन्होंने दो दो साल साल तीन तीन साल तक मेहनत करके इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए जो मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित मान रहे हैं और इसी वजह से ये मांग की जा रही है कि लोग ये जो एनटीए द्वारा ली गई इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका फिर से रजिस्ट्रेशन करके उसकी एग्जाम की जाए। बिल्कुल, इन सवालों को और ज्यादा पुख्ता जो है वो गोधरा सेंटर करता हुआ दिखता है जहाँ पर झारखंड से, बिहार से, दूर दूर से छात्र जो हैं वो परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं। जबकि छात्रों के पास अगर सेंटर चूज करने का ऑप्शन होता है तो छात्र अपने आसपास ही सेंटर चूज करते हैं, लेकिन पटना से गोधरा गुजरात जाने का क्या लॉजिक है, झारखंड से गुजरात या फिर गोधरा जाने का या वहां पर सेंटर चूज करने का क्या लॉजिक है, फिर वहां से कई करोड़ों के चेक बरामद होते हैं और कहा जा रहा है कि इन सब में एनटीए का जो जिला कोऑर्डिनेटर है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये तमाम चीजें और ज्यादा पुख्ता करती हैं कि इस मामले में धांधली हुई है, स्कैम हुआ है। जयेश, बिल्कुल 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 यही बात है कि गोधरा का एक सेंटर है जो कि एकदम देहाती इलाका है जहां पर जो शहरी स्टूडेंट थे वो भी जाना पसंद नहीं करते हैं, तब जाके ये दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आके अगर अपना एग्जाम देने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये शंका प्रेरित करता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें गलत हो रहा है। 10-10 लाख रुपए लेकर के 30 स्टूडेंट को पास कराने की गारंटी यहाँ से दी गई थी, जो एग्जाम की जिसके सिर पर जिम्मेदारी थी, जो सुपरवाइजर था, जो सुपरिटेंडेंट था वो यहाँ पर पकड़ा गया है, उसके गाड़ी से नगद रुपए भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो ऐसे कुछ सबूत है उनके मोबाइल से जो
लिस्ट मिली थी छात्रों के नाम के साथ, उसके जो बैच नंबर के साथ उसकी जो लिस्ट मिली थी, उससे ये साफ हो गया था कि 30 ऐसे छात्र थे जो कि लिस्ट रुपए देख करके अपने पर्चे जो है वो भरवा के पास होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उस टाइम पर छापा मार के। चलिए ठीक है, रितेश भी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। रितेश, पटना ही वो जगह है जहां पर जब 5 मई को एग्जाम चल रहा था और 5 मई को ये खबर सामने आई थी कि पेपर लीक हो गया है नीट का, उस वक्त भी कार्रवाई नहीं की गई, जले हुए पेपर बरामद हुए हैं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो ये कह रही हैं कि पेपर लीक हुआ है और अब भी एनटीए मानने को तैयार नहीं है जब रिजल्ट सामने आ गया और इतनी सारी चीजें, इतने सारे सबूत। अब बिल्कुल यही तो कहा जा सकता है कि एक तो चोरी उपस्थिति ना चोरी, लेकिन ये बार बार हम ये आ रहा है कि 5 को ये सारा चीज हुआ था, 5 को नहीं हुआ था। सबसे पहले इंडिया न्यूज वो चैनल है जिसकी ये खबर हम देखी थी, क्योंकि 4 मई को ये हमें जानकारी मिली थी कि पटना में 2 गाड़ियां हैं, एक जो ब्लैक डस्टर की बात हो रही है, झारखंड नंबर की जो है 0019, वो तो पकड़ी गई, लेकिन एक और व्हाइट कलर की वो एसयूवी थी जिसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है, वो रात में पटना के विभिन्न परीक्षा सेंटर से ये गाड़ियां घूम रही थी। जब ये जानकारी मीडिया कर्मियों को लगी, जो इंटेलिजेंस है उन लोगों को लगी, तो रात में ही हमने कई दफे पुलिस कर्मियों को फोन, जब काफी प्रेशर पड़ा उसके बाद पुलिस को जब इनपुट्स मिले, ऊपर से इनपुट मिले, उसके बाद शास्त्री नगर थाना प्रभारी अमर कुमार को हरकत में आया और उन्होंने उस ब्लैक डस्टर को पकड़ा और पकड़ने के बाद देखिए कि किस तरीके से जो तार है पेपर लीक के, वो एक से एक बढ़कर जुड़ते गए। लेकिन जो एक्शन होने की जरूरत थी, जो एनटीए को या नीट को इस पर समय रहते एक्शन लेने की जरूरत थी, जब आपको ये जानकारी है कि बिहार में कहीं एक परीक्षार्थी पकड़ा गया है, उसकी निशानदेही पर कई सारे इनपुट मिले हैं, जले हुए पेपर मिले हैं, हजारीबाग में कई परीक्षार्थियों को रोक कर रखा गया है, तो ये सारे गंभीर मामले हैं। अमूमन होता है कि जैसे ही पेपर लीक की बात आती है एग्जाम कैंसिल हो जाता है, फौरन जो संबंधित संस्था एग्जाम कराती है उस पर एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार पुलिस लगातार इनपुट लेती रही, कई दफे उसने एनटीए से भी जानकारी तलब की, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं दी गई। तो अब आप समझिए कि इतने सारे इनपुट के बावजूद अगर एनटीए या नीट इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही थी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मिली भगत है, इतनी खिरकिरी होने के बाद आपके साथ पर सवाल उठ रहे हैं, गुधरा का नाम आ रहा है, इसके अलावा रितेश और जयेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।